नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भिन्न का भाग सॉल्व करना सीखेंगे। भिन्न का भाग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का भाग। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी तरह की कोई भी भिन्न का भाग काफ़ी आसानी से और बिल्कुल ही सरलतम रूप से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 7/2, जो कि एक भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या क्यों है? क्योंकि भिन्न का रूप होता है P/Q, यानी P/Q के रूप में कोई भी संख्या दिखता है तो हम उसको भिन्न बोलते हैं। तो ये हमारा पहला भिन्न है, इसमें डिवाइड करना है दूसरे भिन्न 1/10 से, फिर इसमें डिवाइड करना है तीसरे भिन्न 5/3 से, फिर इसमें डिवाइड करना है चौथे भिन्न 9/100 से, और ये प्रक्रिया आपको एक साथ करनी है। कैसे करेंगे? तो देखिए काफ़ी आसान होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए हमको करना क्या होगा, जो भी इसमें का पहला भिन्न जो लेफ्ट साइड का भिन्न है ना, इसको हमको ज्यों का त्यों उतारना है। ध्यान दीजिएगा, जो लेफ्ट साइड का जो भी पहला भिन्न है इसको जैसे का तैसे हमको उतारना होगा। उसके बाद क्या है, भाग का चिन्ह है। तो भिन्न का भाग सॉल्व करने का नियम होता है कि इस भाग के चिन्ह को हमको गुना में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन जैसे भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट करेंगे, नियम होता है कि इस भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है ना, ये पलट जाएगा, यानी 1/10 है ना, तो यहाँ पर आपका 10/1 हो जाएगा। यानी जो 10 नीचे था ये ऊपर चला गया, जो 1 ऊपर था ये आपका 1/2 के नीचे आ गया। समझ रहे हैं ना? अब देखिए फिर से भाग का चिन्ह है, तो जो भी भाग का चिन्ह है उसको हमको गुना में कन्वर्ट करते रहना है, और जस्ट इसके राइट साइड वाला जो भिन्न है इसको पलट देना है। तो 5/3 है तो इसको भी पलटेंगे तो 3/5 हो जाएगा। फिर से भाग का चिन्ह है तो इसको भी गुना में कन्वर्ट करेंगे और इसके भी दाहिने साइड वाला जो भिन्न है इसको पलट देंगे तो 9/100 है, तो यहाँ पर आपका 100 और 9/2 हो जाएगा। अब देखिए मैंने भाग के चिन्ह को गुना में कन्वर्ट कर दिया है। क्या किया है? जो भी भाग का चिन्ह था उसको मैंने गुना में कन्वर्ट कर दिया है। तो भिन्न के भाग से ये हो गया हमारा भिन्न का गुना, यानी भिन्न के भाग को मैंने सॉल्व किया तो हमको भिन्न का गुना प्राप्त हो गया है। और दोस्तों भिन्न का गुना सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। देखिए हमारा भिन्न का गुना दिया गया है, 7/2 में गुना करना है 10/1 से, फिर गुना करना है 3/5 से, और फिर गुना करना है 100/9 से, और ये प्रक्रिया एक साथ करना है। तो दोस्तों भिन्न के गुना में क्या करते हैं ना कि हमको कटाना पड़ता है। कटाते कैसे हैं? अगर इस संख्या ऊपर नीचे कटने लायक है तो ऊपर नीचे कटाएंगे, और नहीं तो नियम होता है कि इसको तिरछा तिरछी कटाना है। कैसे? तिरछा तिरछी, समझ रहे हैं ना? यानी इस संख्या से इसको कटाएंगे, इससे 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 इसको कटाएंगे। और यह भी ध्यान में रखना है कि इस संख्या से अगर ये संख्या कट रहा है ना, तो हम यहाँ से यहाँ भी कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा जो भिन्न है ना, सब क्या है, आपस में गुना में है। तो सभी संख्याएं गुना में है तो हम इसको कहीं से कहीं कटा सकते हैं, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और तीसरे तीसरे में यहाँ पर क्या है, 10 है। तो 2 और 10 कब कटेगा? जब ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या के पहाड़ा में होता है ना, तब जाकर ये दोनों संख्याएं कटता है। तो देखिए एक 2 का जो पहाड़ा है ना, उसमें 2 के पहाड़े में 2 है एक बार में, और 2 के पहाड़े में 10 है कितने बार में, 5 बार में। यानी केवल 2 के पहाड़ा में 2 भी था 10 भी था, तो दोनों संख्या आपस में कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है और यहाँ पर क्या है, 100 है। तो 5 और 100 जो है ना किसके पहाड़ा में है, तो 5 के पहाड़ा में ही आएगा। लेकिन देखिए 5 के पहाड़ा में 5 आएगा कितने बार में, 1 बार में, और 5 के पहाड़ा में 100 आएगा कितने बार में, 20 बार में। चूंकि 1 पंजा होता है 5 और 20 पंजा होता है 100, 1 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेगा तो 5 हो जाएगा, और 20 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेगा तो 100 हो जाएगा। यानी 5 के पहाड़ा में 100 जो है 20 बार में आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या दिया गया, तो उसके बाद यहाँ पर 3 है और तीसरा तीसरे में यहाँ पर क्या है, 9 है। तो 3 के पहाड़ा में 9 है, 3×9 3 बार में, और 3 के पहाड़ा में 3 है 1 बार में। 3 के ही पहाड़ा में दोनों संख्या था तो ये भी कट गया। यहाँ पर अब हमारा 3 बच गया, ऊपर में यहाँ पर 20, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 बच गया। तो 3 से ना 20 कटेगा, ना 5 कटेगा, ना 7 कटेगा, यानी 3 से कोई भी संख्या ऊपर वाला नहीं कट सकता है। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 तो है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 20 नहीं है, 3 के पहाड़ा में 5 नहीं है, 3 के पहाड़ा में 7 नहीं है। यानी अगर केवल एक ही संख्या के पहाड़ा में ये नीचे वाला संख्या और ऊपर वाला कोई भी संख्या आ रहा है, तो हम उसको दोनों को आपस में कटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 से कटाएंगे तो 2 के पहाड़ा में 20 आ जाएगा, लेकिन 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा।
अगर हम 5 से घटाएंगे तो 5 के पहाड़े में 5 आ जाएगा, लेकिन 5 के पहाड़े में 3 नहीं आएगा, इसीलिए ये संख्याएं आपस में नहीं कट सकता है। जब संख्याएं नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर आपका 7 बच गया है तो लिखेंगे 7, यहाँ पर आपका 5 बच गया है तो 5, यहाँ पर आपका 1 बच गया है और यहाँ पर आपका 20 बच गया है। अब देखिए नीचे में क्या बचा है, नीचे में यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर भी आपका 1, यहाँ पर भी आपका 1 और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 3 बच गया है। अब गुना करेंगे, देखिए 20 का गुना करेंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 20, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और गुना में यहाँ पर क्या है 7 पंजे हो जाएगा यहाँ पर 35, 35 हो गया। अब देखिए 111 है तो इन तीनों 1 का आपस में गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 का गुना करेंगे 3 में तो आपका यहाँ पर 3 ही होगा, समझ रहे हैं ना, 3 हो गया। अब देखिए 35 का गुना करना है 20 में तो कैसे होगा, देखिए 35 गुना का होता है 70 और ये 0 यहाँ पर उतार देंगे, बटा में क्या है 3 और ये हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों देख सकते हैं कितने आसान तरीका से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।